किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहे, लेकिन देश का वो तानाशाह, वो ऐसा तानाशाह जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करता है, छोटी छोटी चीजों पर वक्त भी आते हैं, लेकिन ऐसी सरकार पर मैं करता हूँ, ऐसी सरकार पर 700 किसानों की शहादत हो गई, उनकी तरफ से एक लफ्ज नहीं आया। ये सरकार जो किसानों की, गरीबों की, सबके हित की बात टीवी पर, मंचों पर, अलग अलग जगह पर करती है, लेकिन आप इसकी सोच और विचार देखिए कि कैसे हैं इनका विचार। ये बात बांटने की सियासत करने वाले लोग नौजवानों की बात करते हैं। आज नौजवानों के मुद्दे पर अगर देश में कोई बोला है, अगर वो उठाया है, अगर सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक किसी ने लाने का काम किया, तो एक नेता है अखिलेश यादव। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरह 800 दिन से हमारे नौजवान धरने पर बैठे हैं, शासन को मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, कोई एक शख्स है किसी ने आवाज उनकी बुलंद की तो माने अखिलेश यादव जी ने की। 400% 400% फीस बढ़ा दी गई, कोई सुनने वाला नहीं। किस तरह बेरोजगारी का हाल है, कोई पॉलिटेक्निक कर ले, कोई आईटीआई कर ले, कोई बीटेक कर ले, कोई एमटेक कर ले, कितनी बड़ी डिग्री ले, लेकिन इस सरकार ने कसम खा रखी है, कसम कि रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। अगर रोजगार की बात करोगे, अगर इसके खिलाफ की बात करोगे, तो उसके ऊपर मुकदमे लाए जाएंगे, जेल भेजा जाएगा, तमाम तरीके से उत्पीड़न किया जाएगा। हमारे नेता बेटे बेटे माने अखिलेश यादव जी सदन में उन्होंने जिक्र किया, सिर्फ काला झंडा हमारा साथी प्रतापगढ़ का नौजवान, उसने सिर्फ काला झंडा दिखाया दोस्तों, और काला झंडा दिखाने पर सिर्फ शाम के समय वहाँ के एसपी ने, इस सरकार ने बम दिखाकर उसको जेल भेजने का काम किया। जब हमारे नेता सदन में खड़े हुए तो यही मुख्यमंत्री सामने बैठे थे, जिक्र किया माननीय अखिलेश यादव जी ने कि मुझे फोन पर धमकी आई और किसी ने मारने की धमकी दी, लेकिन हमारे नेता ने दिल देखिए और ये बात सदन में नेता ने कही कि दिल देखिए, उसको मैंने मुख्यमंत्री आवाज बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे धमकी क्यों दी, तो उसने छोटी सी समस्या बताई। हमारे नेता ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसकी समस्या का समाधान किया और उसको घर भेजने का काम किया। नेता हो तो ऐसा हो जिसका दिल जलजल हो, ऐसा दिल ना हो कि झंडा को दिखाए तो बम में जेल भेज दो, कोई विरोध करे तो उसको जेल भेज दो। मैं तमाम चीज कहना चाहता हूँ, लेकिन जो कि समय की कमी है, ये सरकार ऐसी है जब नाश मन पाता है पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर गया है, ये तरह सही में है। हम सब लोगों को मिलकर ए नौजवान साथियों, ए हमारे पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं और साथियों, नौजवान साथियों, हम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। अरे मुकदमे लेंगे, जेल हम जाएंगे, हम अपने महबूब नेता से कहना चाहते हैं कि अगर जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी किसानों के लिए, तो ये तमाम नौजवान निकल कर सड़कों पर लड़ने का काम करेंगे। मैं एक चीज कहते रहते हैं, अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाबा साहब साहब का जिक्र किया, मैं कई जगह जाकर देखता हूँ, हमारी तरफ जान जातियाँ हैं, सैनी हो, कच्चा हो, बाल हो, प्रजापति हो, हाथरार हो, कुशवाहा हो, बोलगारी हो, छोटा हो, जाटा हो, वाल्मीकि हो, आप निकल के लिए रास्तों पर और निकल के चलिए और लोगों में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार और वो बात रखने का काम करिए, जिससे हमने संविधान को आगे बढ़ाने का काम करें, आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। एक छोटी सी बात कहते हुए कि आज का जो समय है वो समय आएगा है, एक व्यक्ति रोटी बेलता है, एक व्यक्ति रोटी खाता है और एक व्यक्ति रोटी से खेलता है, ये तीसरा व्यक्ति जो है जो रोटी से खेलता है उसको परवाह नहीं है,
उस रोटी बेचने वाले व्यक्ति से उसको परवाह नहीं है, उस रोटी खाने वाले व्यक्ति की उसको सिर्फ परवाह है रोटी से खेलने की। रोटी से खेलने का मतलब नौजवान साथियों बड़े बूढ़े हो जाते हो, वो लोग जो 2.5 लाख करोड़ का कर्ज लेकर इस देश को क्रिमिनल करने का काम कर रहे हैं अडानी और अंबानी जैसे। अगर नौजवान साथियों हम सब ने निकलने का काम ना किया, 71 मिलकर चलने का काम ना किया तो आने वाला समय बड़ा विकराल है। हम सब लोगों को पार्टी के एजेंडे पर सोच और विचार पर आप सोच समझ के लेके मैं आपके समय आप सोच समझ के देखिए मैं आपके सामने खड़ा खड़ा चुनाव हार गया, उसके बाद प्रदेश का पड़ेगा तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम रंगीन है मगर ये आंकड़े छूटे हैं। अपने क्षेत्र की जनता का।